नमस्कार, संस्कृत विजडम चैनल में आपका स्वागत है। आज के हमारे निबंध का विषय है विजयादशमी। इस निबंध का उपयोग आप मम प्रिय उत्सव विजयादशमी इस विषय के लिए भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अश्विन मासस्य शुक्लपक्षस्य दशमी विजयादशमी इति नामना प्रसिद्धा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि उत्सवस्य समाप्ति दिनः एषः। यह नवरात्रि उत्सव का समापन दिवस है। अस्मिन् दिने श्री रामः रावणं पराजितवान्। इस दिन श्री राम ने रावण को पराजित किया था। अतः रावणस्य प्रतिकृतेः दहनं भवति। इसलिए रावण की प्रतिकृति को जलाया जाता है। सर्वत्र रामलीला प्रदर्शनम् अपि भवति। जगह जगह रामलीला का मंचन भी होता है। अस्मिन् दिने देवी दुर्गा महिषासुरम अमारयत। इस दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। पांडवाः शमी वृक्षे स्थापितानि शस्त्राणि आदाय कौरवैः सह युद्धम अकुर्वन्। पांडवों ने शमी वृक्ष में रखे हथियार उठाए और कौरवों से युद्ध किया था। अतः अस्मिन् दिने शमी पत्राणां विशेषम महत्वम अस्ति। इसलिए इस दिन शमी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। अस्मिन् दिने शस्त्राणां वाहनानां च पूजनं भवति। इस दिन शस्त्रों और वाहनों की पूजा की जाती है। अस्मिन् उत्सवे सर्वेषां जनानां उत्साहः आनंदः च वर्धते। यह त्योहार सभी लोगों के उत्साह और आनंद को बढ़ाता है। इस वीडियो में हमने आज विजयादशमी इस विषय पर संस्कृत में निबंध लिखना सीखा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।